लगभग 1 किलोमीटर पहुंच गए हैं और अभी तक हमारा एक जनरल स्टोर मतलब किराना स्टोर मिला नहीं है जहाँ से सामान ले आया है। हाँ हाँ जा पा रहा हूँ 1-2 किलोमीटर दूर। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं डाल्टनगंज, क्योंकि वहाँ मेरी बहन रहती है, तो वहीं हम जाने वाले हैं। तो मेरा ट्रेन है 10:45 में और अभी बज गया 9:30, यानी 1 घंटे बाद मेरा ट्रेन है। अब बैग पैकिंग हो गया है, देखिए बैग में हम सामान अपना है जो भी ले लिए हैं, और उसके बाद खाना बना हो गया है और शाम का अभी मतलब नाइट का 9:30 बज रहा है। यहाँ से अब हम निकलते हैं, चलिए अब आगे सीधा स्टेशन पर मिलते हैं। तो गाइस, तो हम अभी स्टेशन फ़िलहाल पहुँच गए हैं गया स्टेशन पर। तो अभी यहाँ वेट करते हैं, यहाँ अभी मतलब 10 बजा है, हम अभी हम पहुँच गए हैं। हमारा ट्रेन आएगा अभी 1/2 घंटा, यानी 10:30 बजे तक पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं कितना नंबर प्लेटफार्म पर आता है। थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा मैंने कर लिया, ये काम कर रहा है, इसी तरह से आवाज़ भी आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे मिलते हैं ट्रेन आने के बाद। फाइनली गाइस, फिलहाल हम अपना सीट पर बैठ गए हैं, मेरा ट्रेन आ गया है। तो चलिए अब यहाँ पर बैग निकाल देते हैं, हमारा लोअर बर्थ नीचे आराम करते हैं। और यहाँ से खुलेगी 10:45 में और वहाँ पहुँचाने का टाइम है 4:30 में, तो इसका टाइम बता रहा है कि पहुँचा देगा। चलिए देखते हैं कि पहुँचाता है कि नहीं। सुबह आज जीतू ट्रेन तो एकदम बिल्कुल खाली लग रहा है, देखिए मेरे सिवा इधर कोई नहीं है, हम हैं और हम हैं, सिर्फ हम और हम ही हैं और कोई नहीं। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं खुलने का, उसके बाद अब आगे का लोकेशन पर मिलते हैं। तो सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं रूम पर और बता दें कि कितना बज रहा है, शाम के बज गया है 3:30। और आए वहां से तो रात भर जगे हुए थे, इसके लिए हम आके सो गए थे, खाना पीना खाएं और नहा वहा के सो गए। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से रूम है, तो यहाँ भी रूम पर आ गए हैं और यहाँ से फिर आज नाइट में यहाँ से अब गया की ओर निकलेंगे, क्योंकि बहन की तबीयत खराब हो गया है तो अभी ठीक नहीं हो रहा है यहाँ से। तो सोचते कि यहाँ से अब चलते हैं गया में जाकर दिखा देंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग के चलिए रूम दिखाते हैं, देखिए यही रूम है, इसी पर आके हम सो गए थे। और इधर देखिए पूरा फ्लैट खाली खाली है, कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले अकेले है। ये देखिए किचन, यहाँ पे खाना बनता है। हेलो, हाँ पापा कही थी ना। देखिए बहन बात कर रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे, मतलब मेरा ट्रेन यहाँ से है वापस जाने के लिए 12:30 में, मतलब डाल्टनगंज से गया के लिए 12:30 में ट्रेन है। सो गाइज, आप लोग के यहाँ का लोकेशन दिखाते हैं, मतलब जो अभी तो फिलहाल हम रूम में हैं गेट के अंदर, तो यहाँ से कुछ बाहर का आपको लोकेशन दिखाते हैं। देखिए यहाँ से बाहर वो गेट है, इधर कुछ गाड़ी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर और फैमिली वाले लोग रहते हैं। और यहाँ कुछ पेड़ है और आगे कुछ इस तरह से घर है, आप लोग के देख रहे होंगे। और यहाँ से एंट्री गेट है अंदर। तो और बाकी बहुत फर्स्ट क्लास का रूम है यहाँ पर। सो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल मार्केट, कुछ सामान खरीदना है। तो चलिए झारखंड में पहली बार मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे तो आज तो अभी निकल तो गए हैं मार्केटिंग, पता ना है कि कहाँ पे मार्केटिंग मिलेगा दुकान। तो चलिए आगे चल के देखते हैं आगे मार्केट कहाँ पे है, दुकान लगता है। तो चलिए आगे चल के आपको बताते हैं। तो गाइस, तो हम चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर पहुँच गए हैं और अभी तक हमारा एक जनरल स्टोर मतलब किराना स्टोर मिला नहीं है जहाँ से सामान ले आए। यहाँ का रोड पर सर के देखिए, मतलब कुछ इस तरह का है, मतलब गाड़ी चल रहा, शाम का समय हो गया है और इधर देखिए पूरा मतलब पेड़ हरा भरा दिख रहा है और गाड़ी चल रहा है, इसके चलते आवाज़ आ रहा है गाड़ी का। तो चलिए 1 किलोमीटर तो हम पहुंच गए हैं और थोड़ा दूर चल के देखते हैं आगे कहाँ मिलता है। रिफाइन है,
रिफाइंड हाँ हाँ रिफाइंड है। तो गाज तो मेरा तो जो सामान लेके आया लेके लेने के लिए आए थे जो मेरा सामान मिल गया इसमें है, इसमें क्या है रिफाइंड मतलब तेल। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर पैदल पैदल आ गए हैं तो फिर मिला है यहाँ पीछे आए दुकान तो वहीं पर ली है और अब लेके सीधा चलते हैं रूम। सो गाइस तो फाइनली हम अभी रूम पहुँच गए हैं। सो गाइस तो अभी हम आ गए हैं रूम पर, देखिए लो बड़ी दूर जा पा रहा हूँ, 1-2 किलोमीटर दूर। मतलब बिना जानकारी के हम जा रहे मतलब यहाँ से सीधे गए उधर रोड पर, वहाँ से सीधे मतलब मेन रोड पर जाकर ही मतलब 1/2 किलोमीटर दूर और बाद मिलो तब फिर लेके आए। तो हमारा काम अब हो गया, हम अब लेके आ गए हैं रूम पर। सो गाइस तो इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि 6:30 बज गया। तो चलते हैं अब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।